नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज हम लोग लूसेंट समन विज्ञान का केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का लेक्चर वन देखने वाले हैं। रसायन विज्ञान का लेक्चर वन देखेंगे। दोस्तों, आज से आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का भी लेक्चर स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, खास करके अगर नया ट्रेंड, रेलवे का नया ट्रेंड देखा जाए तो रेलवे में भी अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन ढेर सारे आने लगे हैं। अगर आपका एनटीपीसी ग्रुप डी में 40 जीएस का क्वेश्चन है तो उसमें से आपका 10 से 12 साइंस तो पूछेगा ही। तो साइंस का पोर्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, खास करके केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो का पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इसी के लिए आज हम लोग केमिस्ट्री, लूसेंट समन विज्ञान का केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। इसको हम लोग एक महीने में खत्म कर देंगे, उसके बाद मैं आपको बायो बताने वाला हूं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज है आपका इंट्रोडक्शन क्लास। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं अपना नाम बता दूं। मेरा नाम है नीरज सिंह और मैं अभी रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ, वेस्टर्न रेलवे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग रसायन विज्ञान क्या है उसके बारे में जानेंगे और रसायन विज्ञान की उत्पत्ति यानी रसायन विज्ञान जो नाम है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी और इसके कितने ब्रांचेज हैं, रसायन विज्ञान के कितने शाखा हैं, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। यह आपका इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में ही देखा जाएगा। कल से आपका क्लास स्टार्ट होगा, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे देखा जाए तो इससे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन आपका यह इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में ही मैं ले रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान होता क्या है। तो दोस्तों, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री जो है सो विज्ञान की वह शाखा है, केमिस्ट्री जो है सो साइंस का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत यानी जिसके अंदर हम पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों एवं इनकी क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। समझ में आया? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान जो है विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी पदार्थ के गुण, संगठन यानी कंपोजिशन, संरचना यानी स्ट्रक्चर तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों एवं ये जो गुण, संगठन, संरचना है इनकी क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन हम लोग करते हैं रसायन विज्ञान के अंदर। केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति यानी रसायन विज्ञान शब्द जो है यह कहां से आया? तो रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम कीनिया, क्या चीज, कीनिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। यहां तक दोस्तों आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ है कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी पदार्थ का गुण, संगठन और संरचना तथा उनमें होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान जो वर्ड है, शब्द है, इसकी उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है, मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है क्या चीज, काला रंग। प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमीटेकिंग, क्या कहते थे, केमीटेकिंग कहते थे। जो शुरुआत में प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते थे, केमीटेकिंग कहते थे। वस्तुतः रसायन विज्ञान के अंतर्गत द्रव्य के संगठन तथा उसके अति सूक्ष्म कणों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त द्रव्य के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द्रव्यों के परस्पर संयोग के नियम, ऊष्मा, ऊर्जाओं का द्रव्य पर प्रभाव, यौगिकों का संश्लेषण, जटिल व मिश्रित पदार्थों से तरल व शुद्ध पदार्थों का अलग करना आदि का अध्ययन भी रसायन विज्ञान के अंतर्गत ही किया जाता है। ये सब समझ आया दोस्तों? ये जो है, इसके अतिरिक्त ऊपर जो मैंने बताया आपको कि पदार्थ का गुण, संरचना, संगठन,
क्रिया प्रतिक्रिया का जो अध्ययन किया जाता था उसके अतिरिक्त और सारे बहुत सारे जैसे अतिरिक्त द्रव्य के गुण, द्रव्यों में परस्पर संयोग के नियम, ऊष्मा, ऊर्जाओं तथा द्रव्य का प्रभाव, यौगिकों का संश्लेषण, जटिल व मिश्रित पदार्थों से सरल व शुद्ध पदार्थों का अलग करना, यह सब भी क्या किया जाता है रसायन विज्ञान के अंदर, इसका भी अध्ययन किया जाता है। लेवोजियर, लेवोजियर एक साइंटिस्ट थे। लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। आपके एग्जाम में जनरली ये पूछा जाता है कि आधुनिक रसायन यानी मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है, यानी मॉडर्न केमिस्ट्री का जन्मदाता कौन है, यानी आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा लेवोजियर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लेवाजियर लिखा हुआ है, इंग्लिश में लेवोजियर। अब हम लोग देखेंगे कि रसायन विज्ञान के कितने ब्रांच होते हैं और हम लोग बारी बारी से उसका अध्ययन करेंगे। रसायन विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान के अध्ययन को सरल बनाने के लिए उसे कई शाखाओं में बांटा गया है। रसायन विज्ञान का जो अध्ययन है उसको आसान और सरल बनाने के लिए उसको रसायन विज्ञान को कई शाखाओं में बांटा गया है। एक नंबर पे है भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के नियम, रासायनिक अभिक्रिया के नियम और सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन होता है उसका जो नियम है और सिद्धांत है उसका अध्ययन हम लोग करते हैं भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री में। दो नंबर पे है अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत सभी अकार्बनिक तत्वों का एवं उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों अकार्बनिक क्या होता है, अकार्बनिक कहने का मतलब होता है कि वैसा तत्व या वैसा यौगिक जिसमें कार्बन मौजूद नहीं हो, जिसमें कार्बन मौजूद नहीं हो उसे कहते हैं अकार्बनिक तत्व या यौगिक। तो जिसमें अकार्बनिक यौगिक या तत्व का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं अकार्बनिक रसायन। और तीन नंबर में है कार्बनिक रसायन। तीन नंबर में क्या है, कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत पदार्थ के कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अकार्बनिक रसायन में अकार्बनिक यौगिक का अध्ययन किया जाता था और कार्बनिक रसायन में कार्बनिक यौगिक का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक यौगिक क्या होता है, कार्बनिक यौगिक जो है वह यौगिक जिसमें कार्बन मौजूद हो उसे कहते हैं कार्बनिक यौगिक। और अकार्बनिक किसे कहते हैं, वह यौगिक जिसमें कार्बन मौजूद न हो उसे कहते हैं अकार्बनिक यौगिक। चार नंबर में है औद्योगिक रसायन यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसमें पदार्थों का वृहत परिमाण यानी बहुत बड़ी मात्रा में निर्माण करने से संबंधित नियम, अभिक्रियाओं, विधियों आदि का अध्ययन किया जाता है। इंडस्ट्रीज यानी जो उद्योग धंधा है उसमें क्या होता है कि पदार्थों का जो बहुत अधिक मात्रा में निर्माण होता है, कंपनी में जो फैक्ट्रीज हैं उसमें किसी भी रासायनिक पदार्थ का बहुत अधिक मात्रा में निर्माण होता है, तो हम लोग औद्योगिक केमिस्ट्री जो है उसमें पदार्थों का जो बहुत अधिक मात्रा में निर्माण होने का जो नियम है उसका अभिक्रिया प्रतिक्रिया विधि उसका अध्ययन करते हैं। पांच नंबर में है जैव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री। इसके अंतर्गत जीवधारियों में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया तथा जंतुओं एवं वनस्पतियों में प्राप्त पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। जैव रसायन नाम से स्पष्ट है, जैव यानी जीव में जो रासायनिक अभिक्रिया होता है बॉडी के अंदर या जीव जंतुओं से जो वनस्पति से प्राप्त पदार्थ होता है उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। छह नंबर में है कृषि विज्ञान, कृषि रसायन यानी एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत कृषि से संबंधित रसायन जैसे जीवाणुनाशक, मृदा के संघटन आदि का अध्ययन किया जाता है। सात नंबर में है औषधि रसायन यानी मेडिसिन केमिस्ट्री। दोस्तों नाम से स्पष्ट है मेडिसिन केमिस्ट्री यानी औषधि रसायन। इसमें क्या किया जाता है कि इसके अंतर्गत मनुष्य के प्रयोग में आने वाली औषधियां उनके संगठन तथा बनाने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। सब जितने ब्रांचेज हैं सभी का नाम से ही स्पष्ट है कि उसमें क्या चीज का अध्ययन किया जाता होगा। आठ नंबर पे है विश्लेषिक रसायन यानी एनालिटिक केमिस्ट्री। इसमें विभिन्न पदार्थों की पहचान, आयतन व मात्रा का अनुमापन किया जाता है।
तो दोस्तों आज का क्लास आप लोग का इंट्रोडक्टरी क्लास था, इंट्रोडक्शन हुआ केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री में कितने ब्रांचेज होते हैं। अब हम लोग कल से बहुत ही इम्पोर्टेंट कल से क्लास होगा आपका, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री का जो कल से क्लास स्टार्ट होगा। आज तो इंट्रोडक्शन था इसका, इससे भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं लेकिन ज़्यादा क्वेश्चंस इससे नहीं बनते हैं। मेन रूप से कल से आपका क्लास स्टार्ट होगा और डेली रेगुलर आपका क्लास चलेगा। आप लोग डेली वीडियो को देखिए, फिजिक्स का भी वीडियो दिया जाएगा, केमिस्ट्री का भी और मैथ का भी वीडियो आप लोगों को दिया जाएगा, जो कि आपके आगामी किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो जरूर देखिए क्लास डेली का, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।